उदयपुर की घटना के बाद लगातार सियासी गर्मियां गरमा रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी के राष्ट्रवाद या आतंकवाद पर सवाल उठाया, क्या कुछ कहेंगे? 8 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे जिसमें आतंकवादी सरेआम या तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य निकला या भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेयरर निकला या प्रचार करते हुए पाया गया। उदयपुर का रियाज अतारी सक्रिय सदस्य बना, उसके गले में भारतीय जनता पार्टी का मफलर और उसके कई फेसबुक पोस्ट उसके साथियों के कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सक्रिय सदस्य। जम्मू के रियासी सेक्टर में जिस आतंकवादी को ग्रामीणों ने पकड़ा, वह आतंकवादी अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की साजिश रच रहा था, तालिब हुसैन शाह, वह तो आईटी सेल की जम्मू का प्रभारी निकला। नवनीत राणा अमरावती की सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के करीब ही हैं। उनका सहयोगी इरफान खान जिसने अभी एक केमिस्ट का मर्डर किया अमरावती में नूपुर शर्मा वाले मामले, वह उनका सहयोगी निकला। ऐसे 8 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि रिश्ता क्या है। बहुत सारे आपने उदाहरण पेश किए हैं, लगातार कांग्रेस पर आतंकवादियों को सपोर्ट करने का जो आरोप बीजेपी लगाती रही, क्या लगता है बीजेपी का जो असली चेहरा सामने है? यह बीजेपी का आज का नहीं है, ये आरएसएस का इतिहास है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह उनका उसूल रहा है। चोरी पहले खुद करेंगे और फिर किसी और को चोर बताएंगे। आज उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस प्रेस वार्ता किसी और क्या कुछ करने वाले? हम लोगों ने पिछले हफ्ते सड़कों पर भी आंदोलन किया, आने वाले दिनों में लगातार इनका यह चेहरा बेनकाब करते रहेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता। बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगाया है कि किस तरीके से बीजेपी का जो चेहरा है, जो राष्ट्रवाद का चेहरा है, उस पर अब आतंकवाद का चेहरा कांग्रेस ने छाप दिया है। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी किस तरीके से इस पूरे मामले पर खंडन करते हुए जवाब देती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ आयुक्त वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।